नमस्ते दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ग्रीन टिप्स एडवाइस चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसी स्टॉक के बारे में चर्चा करूंगा जिस स्टॉक में काफी गिरावट आई है पिछले दो दिन में, और इतना भयंकर गिरावट आई आप सोच नहीं सकते कि अचानक इतना फॉल कैसे आ सकते हैं। और अभी स्टॉक जिस कंडीशन में है, बाहर से और गिरावट आएगी या फिर ऊपर जा सकता है, इस जगह पर इस प्राइस पे हम बाई कर सकते हैं या फिर सेल कर सकते हैं, उसका पूरा एनालिसिस आप लोगों के सामने रखूंगा। तो फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट में जाने से पहले आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूं, ये वीडियो मैं एडुकेशनल पर्पस बना रहा हूं। जो भी टेक्निकल आउटलुक या फिर लेवल पेश करूंगा वो मेरी खुद की रिसर्च से, अगर आप लोग ट्रेड कर दे तो अपनी जिम्मेदारी से ट्रेड कीजिए। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं उस स्टॉक के बारे में। फ्रेंड्स, स्टॉक का नाम है सन फार्मा। सन फार्मा स्टॉक में पिछले दो दिन में काफी गिरावट आई, भयंकर गिरावट आई, और अभी स्टॉक का पोजीशन क्या है वो एक बार देख लेते हैं। पूरा एनालिसिस आप लोगों के सामने रखूंगा चार्ट में और बेसिक फंडामेंटल में। यहाँ पर देखिए स्टॉक 18 तारीख को, ठीक है फ्रेंड्स, 18 तारीख को स्टॉक ओपन हुआ था 424.05 रुपए में, और उसका हाई था 424.10 रुपए, लो कितना था 370.20 रुपए। तो कितना लो बनाया, 424 में ओपन होने के बाद 370 का लो। तो यहाँ पर हमें जो गिरावट मिला एक दिन में 30 और 20 यानी 54 पॉइंट का गिरावट देखने को मिला एक दिन में। आप एक बार सोच के देखिए, 400 रुपए का स्टॉक जिसमें एक दिन में 54 पॉइंट की गिरावट आई, और क्लोज कितने में हुआ, 390.75 में, यानी 20 पॉइंट की रिकवरी देने के बाद, 20 पॉइंट की बाउंस होने के बाद ऊपर की तरफ ये क्लोज हुआ है 390.75 में। तो अभी स्टॉक में क्या हम खरीदारी कर सकते हैं या फिर नहीं, क्या ये आप जानना नहीं चाहते हैं, एक दिन में 54 पॉइंट की गिरावट। अब देखिए फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लोज यानी 17 तारीख को क्लोज हुआ था 426.55 में, गैप डाउन में ओपन हुआ 424.10 का हाई, 370.20 का लो, यानी 54 पॉइंट का लो, क्लोज हुआ 390.75 यानी 21 पॉइंट की रिकवरी देके क्लोज हुआ। आप, मैं ये समझाना चाहता हूं आप लोगों को, एक दिन में 54 पॉइंट की गिरावट। अब यहाँ पर देखिए उसका जो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है 384.75 यानी 384.75 रुपए उसका वेटेड एवरेज प्राइस है, और स्टॉक अभी क्लोज हुआ है वेटेड एवरेज प्राइस के ऊपर, वो भी 5 या पर 4 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है, 6 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है, 384.75, 390.25 मान के चलो 5 पॉइंट, यानी 5 रुपए ऊपर क्लोज हुआ है। तो जब तक 384.75 को ब्रेक डाउन नहीं करते हैं तब तक उसमें गिरावट आने की पॉसिबिलिटी कम है, और इसको अगर ब्रेक डाउन करती भी है उसके बाद हमें क्या सपोर्ट मिलेगा, उसके बाद हमें सपोर्ट मिलेगा 18 तारीख का जो लो था 370.20। अगर 18 तारीख की लो जो 370.20 है इसको अगर ब्रेक डाउन करते हैं तो उसके नीचे जाने की भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। इसके नीचे अगर सस्टेंस करते हैं तो आने वाले 4-5 दिन में ये और भी नीचे गिर सकते हैं, उसमें और भी भयंकर गिरावट आ सकती है। लेकिन क्या है, लो जो 370.20 पैसा है इसको तोड़ सकते हैं, और इसको तोड़ती भी है तो उसके नीचे सस्टेंस क्या कर पाएंगे, तो चलिए वो देखते हैं हम। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, पिछले दिन 18 तारीख को 21 पॉइंट का रिकवरी देने का भी कुछ कारण है, वो कारण भी मैं चर्चा कर लेता हूं आपके सामने। देखिए 52 एक लो था 370, यानी पिछले दिन जो है 52 एक लो बनाया था, 370.20 रुपए का लो बनाया था, और वो 18 जनवरी 2019 यानी उसी दिन 18 तारीख को ही उसका एक साल का लो था, नंबर वन पॉइंट। नंबर टू पॉइंट, लोअर प्राइस बैंड, देखिए 362.60 लोअर प्राइस बैंड, 362.60 यानी लोअर प्राइस बैंड जो है इसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल था। अगर इसको तोड़ने की कोशिश करता है तो उसके पास आएंगे, उसको टेस्ट करेंगे, ऊपर जाएंगे, टेस्ट करेंगे फिर ऊपर भागेंगे, टेस्ट करेंगे फिर ऊपर भागेंगे। कहना मतलब है इस लोअर प्राइस बैंड को
टच करते करते अगर आप किसी दीवार को बार बार ठोकते हैं तो दीवार पहले जब आप धक्का मारेंगे तो वो नहीं, जब पुश करेंगे तब वो नहीं तोड़ेगा। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, तब उसमें दरारें आ जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, वो दीवार टूट जाता है। तो लोअर प्राइस वैन जो है उसको तोड़ना मुश्किल है। अगर उसको तोड़ना है तो कम से कम चार पांच बार उसको टेस्ट करना है 362.60। फ्रेंड्स ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और क्या समझना चाहता हूँ। मैं नया नया तरीका आप लोगों के सामने पेश करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, जो मैं अपने ऑनलाइन कोर्स में अपने क्लाइंट को भी सिखाने की कोशिश करता हूँ, जो मैं सिखाता हूँ और उसका कुछ पार्ट मैं आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। तो इसको पहले चार पांच बार धक्का मारेंगे, दरारें आएंगे, उसके बाद ये टूटेगा। तो इसके पास तो नहीं आया, जिसके कारण वो एक साल का लो बनाया, लोअर प्राइस बैंड था। इस लोअर प्राइस बैंड को रेस्पेक्ट करते हुए 370 का लो बनाने के बाद 21 रुपए रिकवरी देके ऊपर क्लोज हुआ है। तो अभी हम क्या मान सकते हैं कि जब तक 370 को फिर से ब्रेक डाउन नहीं करते हैं, उसमें गिरावट नहीं आएंगे और उसको तोड़ते हैं, तो उसके बाद हमें सपोर्ट मिलेगा 362 यानी लोअर प्राइस बैंड, और उसको टेस्ट करके ऊपर आएंगे और इस कंडीशन में हम बाय कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम देख लेते हैं चार्ट में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने सन फार्मा का चार्ट ओपन किया, आप देखते हैं चार्ट में हमें क्या लेवल मिलता है। हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, मूविंग इंडिकेटर यूज करेंगे और हम देखेंगे इसमें और कितना गिरावट आ सकते हैं, अब हम खरीदारी करेंगे या फिर बिकवा ली। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स ये तारीख क्या है, एक बार देख लीजिए, तारीख है 11/12/2018 यानी दिसंबर मंथ की 11 तारीख का ये कैंडल है। इसका लो, इसका ओपन कितना था और लो कितना था, लो था 390.60 रुपए, 390.60 रुपए लो था, ठीक है फ्रेंड्स, और अभी का लो क्या था 370.20 रुपए, लेकिन क्लोज कितने में हुआ है 390.75 यानी 11 तारीख दिसंबर के 11 तारीख का जो ओपन प्राइस था उस ओपन प्राइस को रेस्पेक्ट करते हुए क्लोज हुआ है। क्योंकि 11 दिसंबर की जो ओपन था 390.60 रुपए और लो भी था 390.60 रुपए। फिर से सुनिए, 11 दिसंबर 2018 की ओपन प्राइस और लो प्राइस सेम था और उसी लो प्राइस सेम प्राइस को रेस्पेक्ट करते हुए उसके ऊपर क्लोज हुआ है। तो क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को, चलिए मैं उस यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, कर दिया मैंने। यहाँ पर हमें क्या मिला, डबल बॉटम मिला, इसको कहते हैं डबल बॉटम। 11 तारीख की प्राइस को रेस्पेक्ट किया, बॉटम बनाया, डबल बॉटम, इस लेवल को ब्रेक डाउन किया, लेकिन क्लोज हुआ 11 दिसंबर 2018 के लेवल के ओपन प्राइस के ऊपर क्लोज हुआ। क्या जबरदस्त एक लॉजिक है यहाँ पर, क्या ख्याल आप लोगों का? मुझे तो लगता है कि ऊपर भागने की तैयारी कर रहा है। अगर इसको नीचे सस्टेंस करना ही था, गिरना ही था तो नीचे सस्टेंस करता। फिर भी और भी कुछ हम यहाँ पर मसाला डाल के देखते हैं कि क्या रिजल्ट निकालते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लेवल निकालते हैं, देखिए लेवल निकाल लिया, अभी जो है इस लेवल के नीचे क्लोज हुआ है। ओके, अच्छी बात है, इस लेवल के नीचे क्लोज हुआ है और डबल बॉटम के ऊपर क्लोज हुआ है, बढ़िया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है, चलो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो चलिए, सॉरी फ्रेंड्स इसको हम डिलीट करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या रिजल्ट निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर हमें क्या रिजल्ट मिला है, लो को अगर जोड़ते तो देखिए क्या रिजल्ट निकाला है। यहाँ पर देखिए डबल बॉटम के ऊपर, इस रे लेवल के नीचे, इस रे लेवल के ऊपर, और क्या रिजल्ट निकालते हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं हम एक झलक। तो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, चैनल लेवल निकालेंगे। तो चलिए चैनल लेवल निकाल के देखते हैं क्या रिजल्ट हमें मिलता है। ओके, यहाँ पर हमने जोर दिया, यहाँ पर हमें क्या रिजल्ट मिला, चलिए देखिए क्या रिजल्ट मिला। यहाँ पर चैनल देखिए आप लोग, चैनल को टेस्ट किया, ब्रेकआउट नहीं किया, चैनल को टेस्ट किया, ब्रेकडाउन नहीं किया, फिर ऊपर से चैनल को टेस्ट किया ऊपर, लेकिन फाइनली गैप डाउन में ओपन हुआ, इसमें गिरावट आई, काफी गिरावट। गिरावट आने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर बॉटम बनाया, बॉटम बनाने के बाद चैनल को ब्रेकआउट किया, अब चैनल के अंदर ही ट्रेड कर रहा है,
इसको टेस्ट किया, फिर ब्रेकआउट नहीं किया और फिर यहाँ पर फाइनली इस यहाँ पर बॉटम क्रिएट किया और इस चैनल को भी ब्रेकडाउन नहीं किया। इस चैनल को टेस्ट किया है, चैनल को टेस्ट किया है, ब्रेकडाउन भी किया है, लेकिन फाइनली क्लोज हुआ चैनल के ऊपर। तो यहाँ पर हमें क्या क्या रिजल्ट मिला है, देखिए डबल 2012 की दिसंबर की 11 तारीख की ओपन प्राइस को टेस्ट करते हुए उस प्राइस को ऊपर क्लोज हुआ है और यहाँ पर एक डबल बॉटम क्रिएट हुआ है, नंबर वन पॉइंट। नंबर टू पॉइंट, चैनल लेवल के ऊपर क्लोज हुआ है। नंबर थर्ड पॉइंट, रे लेवल के ऊपर क्लोज हुआ है। अब नंबर फोर्थ पॉइंट क्या निकालते हैं, चलिए वो भी मैं दिखाता देता हूँ आप लोग। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, एक्सटेंडेड लेवल निकालेंगे। एक्सटेंडेड लेवल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पीछे चलते हैं और यहाँ पर हम कुछ लेवल ढूंढते हैं और उसको जोड़ने की कोशिश करते हैं। हाँ चलिए, यहाँ पर हमें लेवल मिला है, तो चलिए देख लेते हैं एक बार, इसको हम जोड़ देते हैं। ओके, हाँ ओके हमने कर दिया, ठीक है। चलिए उसको थोड़ा सा मोटा कर देते हैं, कलर को हम थोड़ा सा रेड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए कितने दूर का लेवल मैंने यहाँ पर खींचा, देखिए लेवल भी देख लीजिए, डेट है 2015 अक्टूबर महीना के 6 तारीख, 6 अक्टूबर 2015 के लेवल के साथ मैंने क्या किया, 2018 जनवरी की 30 तारीख के लेवल को मैंने जोड़ा और यहाँ पर क्या लेवल निकाला, फाइनली यहाँ पर मैंने इसके साथ कनेक्ट किया, कौन सी टाइम पे, वो है 20 फरवरी 2018। तो देखिए मैंने क्या किया, फिर से इसको थोड़ा सा नोटिस कीजिए आप लोग तो सीख सकते हैं। डेट क्या है एक बार देख लीजिए आप लोग, 2015 अक्टूबर महीने की 14 तारीख, उसके बाद 2016 अगस्त की 2 तारीख, उसके बाद यहाँ पर क्या मिला आप लोगों को, 2018 जनवरी के 25 तारीख, और अभी यहाँ पर फाइनली क्या मिला हमें, हमें जो यहाँ पर फाइनली लेवल मिला वो है 2018 की दिसंबर महीने की 18 तारीख। ये सभी लेवल को अगर हमने कनेक्ट किया तो एक्सटेंडेड जो लेवल निकला है वो है 420 रुपए, यानी अभी 390.75 रुपए में क्लोज हुआ। अगर ये 420 को ब्रेकआउट करते हुए इसके ऊपर सस्टेंस करते हैं तो हमें ऊपर की तरफ बढ़िया उछल देखने को मिल सकते हैं, जिसमें हम पोजिशनल कॉल में ट्रेड कर सकते हैं और आगे जाकर हमें बढ़िया उछाल देखने को मिल सकते हैं। तो उसके बाद आगे का लेवल क्या मिलेगा हमें, 440, उसके बाद हमें लेवल क्या मिलेगा, 455, और जैसे ही 455 चैनल लेवल को ब्रेकआउट करते हैं तो ऊपर की तरफ हमें और भी ज्यादा पॉइंट मिलने की हम आशा कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर देखिए VWAP के ऊपर क्लोज हुआ है, ओके नंबर वन पॉइंट। नंबर टू पॉइंट, बॉटम के ऊपर क्लोज हुआ है, ओके बाय कर सकते हैं। नंबर थ्री पॉइंट, 2018 की दिसंबर मंथ की 11 तारीख की ओपन और लो प्राइस के ऊपर क्लोज हुआ है, हम बाय कर सकते हैं, ओके। और नीचे हम स्टॉप लॉस अप्लाई कर सकते हैं, क्या ये जो चैनल लेवल है, चैनल लेवल क्या है, 375, यानी 375 के 5 बजे 370 पे हम स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। 390 पे अगर हम बाय करते हैं तो 370 में, यानी पिछले दिन का जो लो है उस लो पे हम स्टॉप लॉस अप्लाई कर सकते हैं और पोजिशनल कॉल के लिए ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी इसमें खरीदारी करने का मौका है। हाँ मैंने कह दिया आप लोगों को कि अगर नीचे गिरता है तो 370 तक हम होल्ड कर सकते हैं, और अगर 370 तक गिरते हैं तो हम वहां से सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं और नीचे हम 362 तक पॉइंट बुक कर सकते हैं, क्योंकि 362 क्या है, लोअर प्राइस बैंड है, ओके। या फिर हम लोअर प्राइस बैंड पे भी बाय कर सकते हैं। तो अभी पूरी तरीके से ये बाइंग पे है और ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी बहुत 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 ज्यादा, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर मैं कुछ दिखाना चाहता आप लोगों को, क्वांटिटी ट्रेड वॉल्यूम जो मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया नहीं, 8 करोड़ 29 लाख की ट्रेड वॉल्यूम, यानी ट्रेड क्वांटिटी ट्रेडेड है, ओके। और डिलीवरेबल क्वांटिटी कितना है देखिए, परसेंटेज 28, इतना गिरावट आया भाई, एक बार सोच के देखो, फिर भी स्टॉक में 28% डिलीवरी क्यों है, 8 करोड़ 29 लाख की ट्रेड क्वांटिटी, उसमें से डिलीवरी में कन्वर्ट हुआ है कितना, 2 करोड़ 39 लाख 2549। तो ऑब्वियसली हम
ये सोच सकते हैं कि ऊपर ये भागने की तैयारी में है अगर बॉटम को ब्रेक डाउन नहीं करते। अगर बॉटम को ब्रेक डाउन करते हैं, अगर बॉटम को ब्रेक डाउन करते हैं तो हम उसमें सेलिंग पोजीशन बनाएंगे, 362 तक हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि 362 जो है वो है लोअर प्राइस बैंड। तो फ्रेंड्स हमें आशा है आप लोगों को जानकारी प्राप्त हो चुकी है। अगर आप लोग पेड सर्विस लेना चाहते हैं तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स अगर ज्वाइन होना चाहते हैं तब भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9862524240 में, वीडियो के स्क्रीन में आप लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे। ओके तो चलिए फ्रेंड्स अब हम उसका लेवल भी देख लेते हैं, किस लेवल पे बाय कर सकते हैं। बाइंग एंट्री लेवल रहेगा 395.78 यानी 396 पे हम बाय करेंगे। टारगेट रहेगा 399, 401, 404, 408, 411, 419, 428। और अगर हम सेल करते हैं तो 380 पे भी सेल कर सकते हैं, 380, 373, 368, 363, 356, 352, 337, 321 यानी पोजिशनल कॉल के लिए हम बाई कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। ओके तो अगर सेल करना है तो 380 में और अगर बाई करना है तो 395 में। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना सही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।